ऐसा नहीं, कोई अगर चाहे कि हम साधु बन जाएंगे, उतना सहज नहीं है, साधु बनना उतना सहज नहीं है। साधु तो होना तो बहुत सरल है, कपड़ा पहन करके, कपड़ा रंगा लिया, कंठी पहन लिया, जटाजूट धारण कर लिया, ये तो साधना तो बहुत कठिन है। लेकिन साधु होना ये बहुत कठिन, ये तो हमारे 40 साल का जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, साधु बनना बहुत कठिन बात है। ये तो गुरु कृपा बहुत कृपा सापेक्ष हो, ये बहुत कठिन बात है। सही सही साधु बनना ये बहुत कठिन काम है, अभी तक हमने तो बन नहीं पाया, आगे होगा कि नहीं, आशा लगा के बैठे हैं, मृत्यु तक इंतजार करेंगे, इंतजार तो करेंगे, आशा लेके बैठे हैं, आशा छोड़े नहीं। बोले तुम कैसे बनोगे, हमसे तो होगा नहीं, कृपा जरूर होगी अगर हमारे मन में सद इच्छा है तो हमको अवश्य वही स्थिति में पहुंचा देंगे ठाकुर जी कृपा पर, नहीं तो अनंत काल में भी अपने चेष्टा के द्वारा हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ये ज्ञान तो करा दिया है बढ़िया तरह से, अब आश लगा के बैठे हैं कृपा होगी। बार बार भीतर से यही विवेक कहता है, साधन भजन का बड़ा, कृपा प्राप्ति का बड़ा जो बाधक है वो है अज्ञान, जो तो अहंकार, अहंता, मैं मेरापन, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तपस्वी हूँ, ये सब अज्ञान जातो, जो करा रहे वो करा रहे हैं उनकी इच्छा। मैं अपने अभिज्ञता से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस, सत्य क्या है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन भीतर से कहते हैं जी जब तक तुम हो तब तक हम नहीं है, जब अगर हम रहेंगे तो तुमको नहीं रहना चाहिए, तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे, ऐसा होना संभव नहीं, या तुम रहो या हम रहेंगे, लेकिन यह हम तो हटता नहीं है, हम माने अज्ञान जातो, अज्ञान जातो जो अहम कारण, जो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं मेरापन, ये हम तो रहेगा लेकिन वो कैसे दार बन के रहेगा, इस घट में तुम मालिक हो, मैं तुम्हारे इस घट में मैं भी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे दास हूँ, तुम प्रभु हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम जैसे करा रहे हो हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे कराओगे ऐसे होगा, तुम ही करता हो मैं अकर्ता, ऐसा जान करके ये शरीर के द्वारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सिर्फ दृष्टा बन के देखते रहो, उनकी जो इच्छा वही होगी, ऐसे जान करके शुभ अशुभ परित्यक्त की भक्ति मंत्र समय दियो, शुभ अशुभ दोनों को हटा दो, कभी अशुभ समाहार तो कभी शुभ संयोग, ये सब प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहना, देखते रहना, दृष्टा बन जाओ, फिर तो इस घिर घट में बैठ करके मैं क्या करता हूँ तुम्हारे द्वारा, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये अहंता ये हटता नहीं है, मैं मेरापन, ये अहंता के कारण ममता बोध क्यों, हमारे दृश्यमान जगत में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में जो आसक्ति है इसका कारण क्या है, कारण है अहंता, अहं के कारण ममता, अहंता से ममता, ममता कब हटेगी, अहंता जब हटेगी तब ममता ऑटोमेटिक हट जाएगी, मैं नहीं, मैं शरीर नहीं तो मैं शरीर नहीं तो शरीर संबंधी वस्तु भी मेरा नहीं, मैं से तो मेरापन, जब मैं शरीर नहीं तो मैं तुम्हारे अंश हूं, शुद्ध सत्य सनातन दिव्य आनंदमय
कैसे कौन हो? नहीं, तुम्हारे जो गुरु प्रदत्त स्वरूप है चिन्मय दिव्य आनंदमय, वो मैं, ये शरीर मैं नहीं, वो मैं हूं। तो ये घट में तुम जो करा रहे हो, तुम्हारी इच्छा जो हुई है, तुम्हारी इच्छा जो हो रही है, तुम्हारी इच्छा जो होगी, तुम्हारी इच्छा जान करके दृष्टा बन जाओ, देखते रहो। दुख अनुद्विग्न होना सुख विगत स्प्रिया वितराग भय क्रुधा स्थित धीर मुनि निश्चित। दुख आने से घबराना नहीं, दुख अनुद्विग्न होना, ये आता रहेगा, आता है, आएगा। साधु और गृहस्थी में फर्क क्या है? पोशाक का फर्क नहीं, पोशाक का फर्क नहीं है, पोशाक से कुछ नहीं होता है, विचार के फर्क। दुख से अनुद्विग्न होना, दुख आने से वो जानते हैं प्रभु की इच्छा जो हो रही है, प्रभु की इच्छा। ये इसके अंदर जरूर कोई मंगलमय संकेत है, कुछ मंगल होने वाला है। वो मंगल तो हम समझ नहीं पाते हैं, उसको अमंगल जान करके कभी भगवान के ऊपर दोषारोप कर बैठते हैं, प्रभु की दया हम पर है नहीं। हम चाहते हैं हम जैसा चाहें प्रभु ऐसा करेंगे तो जानेंगे कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, प्रभु जैसा करेंगे उसमें हमारे इच्छा नहीं, हमारे राजी नहीं, हम राजी नहीं है। तो बोलते हैं ना ऐसा नहीं, जो भी स्थिति आती है तुम हमारे ऊपर छोड़ दो सब कुछ। मत चित्त सर्व दुर्गा निमत प्रसाद आत्मरिश्वर, तुम सिर्फ चित्त वृत्ति में हमको धारण करके बैठे रहो। सर्व दुर्गा निमत प्रसाद आत्मरिश्वर, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अथ चित्तम अहंकार अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम नष्ट हो जाओगे। तुम सिर्फ हमको चित्त में धारण करके दृष्ट बन जाओ, देखते रहो। दुख से अनुद्विग्न होना, दुख आने से घबराना नहीं, सुख से विगत स्प्रिया। और जागतिक कोई सुख आ जाए तो उसमें भी उलझना नहीं, विगत स्प्रिया, उसमें स्प्रिया नहीं रखना। संसार का सुख, देहदेही वस्तु संबंधी सुख, ये कोई सुख है? ये तो दुख का ही नामांतर है, तो इसको भी आदर से लेना नहीं। वितराग भय क्रोधा, वितराग संसार के प्रति, दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनुराग जो है, आसक्ति है, ये नष्ट हो गया। इसको क्या लेना है, इसका क्या आशा करना है, ये हमको क्या दे सकता है? तो इसके प्रति वितश्रद्ध हो जाओ, वितराग अनुराग को नष्ट कर दो। भय वस्तु नष्ट होने का भय, वस्तु प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध होता है, क्रोध, तीनों नष्ट हो गया, जिसका उसका बुद्धि स्थिर हो गई है। तो उस स्थिति में जाने के लिए तुमको उनके शरणागत हो करके दृष्टा बन के रहना पड़ेगा। संसारी लोग जो वस्तु आशा करते हैं काम्य वस्तु है, और जो आशा नहीं करते हैं वृद्ध वस्तु, साधु के लिए उल्टा, साधु के लिए उल्टा हो जाता है। शुभ समागम में उसको कष्ट होता है, अशुभ समागम में जिसको हम अशुभ कहते हैं उसमें आनंद होता है, उसमें प्रभु की कृपा देखते हैं। ये है साधु का लक्षण। अशुभ समागम मान लीजिए कोई वस्तु नष्ट हो गया, कोई कुछ नष्ट हो गया, कोई विपत्ति आ गया, तो देखते हैं ये प्रभु की कृपा है, हमको संसार से मुक्त कराने के लिए, संसार वासना समाप्त करने के लिए प्रभु ने कृपा रूप में हमारे सामने विपत्ति रूप में आ रहे हैं, आहा प्रभु तुम्हारी बहुत कृपा है, हम फंस गए हैं संसार में, तुम इस तरह से हमको संसार से निवृत्त करने के लिए तुम विपत्ति रूप में हमारे सामने आ रहे हो, तो उसको आदर से लेते हैं।
घबरत नहीं, दुख शोणत नहीं। और विपत्ति में वो खुशी मनाते हैं, और संपत्ति में दुख विचलित हो जाते हैं। कैसे? संपत्ति हम क्या जानते हैं, जो धन दौलत, हमारे प्रियजन का प्रेम प्रीति सौहार्द, सुख सुविधा आदि जो है, इसको हम अच्छा मानते हैं, संपत्ति मानते हैं। लेकिन साधु जो है, जो भगवत भक्त, इससे घबरा जाते हैं। हे प्रभु, देखो हमको विषय आकर के हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रभु, मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, ये आकर के हमको घेर रहे हैं। प्रभु, हमको बचन घबराते हैं मन में, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा धन दौलत अर्थ, ये सब प्रतिष्ठा आने से, ये तो संपत्ति है। लेकिन साधु उसमें घबरा जाते हैं, वो भय पाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको बचा लो, ये विपत्ति हमारे सामने आ गई, ये विपत्ति से हमको बचाओ। तो संपत्ति में विपत्ति देखते हैं, और विपत्ति में संपत्ति देखते हैं। ये है साधु, साधु का लक्षण। साधु होना उतना सहज बात थोड़ी है, फिर जाके प्रभु उस हृदय में बैठ करके हृदय का सरस कर देते हैं, फिर प्रभु की कृपा से वो प्रेम भक्ति प्राप्त करके प्रभु की सेवा प्राप्ति करने के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा तो समझा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। अज्ञान जात अहंकार जो है, ये जाता नहीं है। प्रशंसा में आनंद पाते हैं, वस्तु समागम में आनंद पाते हैं, ये सब दुर्लक्षण तो दिखने में आता है। ऐसे तो भयभीत हो रहे हैं, ना जाने क्या होगा। इतनी बड़ी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ कर के इतना त्याग और वैराग्य आपने धारण, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साधु नहीं बन पाए। हमने किया है वो तो प्रभु ने कराया है, उनकी इच्छा। हमने किया माने यही तो अज्ञानता है। तुम क्या किया? 500 रुपया खो जाने से आंख में आंसू आ जाता है। तुमने क्या त्याग किया? कौन सा त्याग किया? भगवान के नाम से तो एक बूंद आंसू आता नहीं है। थोड़ा सा कोई वस्तु नष्ट हो गया, बस तुम्हारा विचलित हो जाता है मन, रसा कुछ अनिष्ट हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है, हमारा भजन नहीं हो रहा, प्रभु की कृपा नहीं हो रही, हमारी भक्ति नहीं हो रही है। इसके लिए तो हमारे चित्त विक्षेप नहीं होता है, विचलित नहीं होते हैं। जो हुआ है तुम मानते हो हमने किया है, तुमने इतना बड़ा जब तुमने त्याग दिया, देखो कितना बड़ा अभिमान आया ना शब्द, ये शब्द ही भूल है। अगर छूट गया तो प्रभु की इच्छा, बहुत कृपा करके छुड़ा दिए हैं, ये प्रभु की इच्छा, ये हमारे कोई विशेषता इसमें है नहीं। और उनकी इच्छा हो, अगर ऐसा अहंकार हो, अभी भी संसार में ले जा सकते हैं। ये नहीं समझना तुम निरापद भूमि में पहुंच गए हो और कोई भय नहीं है। जब तक शुद्धा भक्ति नहीं प्राप्ति करते हैं, तब तक जाके भय है, गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। निश्चिंत होकर बैठे मत रहो जी, हम निश्चिंत निरापद भूमि में पहुंच गए, अब हमारा कोई भय नहीं है।